नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़, मैं सुहानी चंद्राकर। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में मातारी वंदन योजना को टक्कर देने अब कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले मातारियों पर दांव खेला है। पिछले दिनों कांग्रेस ने केंद्र में सरकार बनते ही इस योजना को लागू करने की गारंटी का ऐलान किया था। इसी के तहत आज से छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा महिलाओं से महालक्ष्मी न्यारी न्याय योजना का फॉर्म भरवाया जा रहा है। वहीं योजना को लेकर महिलाओं में भी जोश दिख रहा है, जिसके तहत भारी संख्या में फॉर्म भरने आई महिलाएं। कांग्रेस का वादा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो महिलाओं के लिए जारी की गई गारंटी को वो अमल में भी लाएगी। कांग्रेस ने महालक्ष्मी नारी न्याय योजना की गारंटी जारी की। नारी न्याय गारंटी के तहत 5 घोषणाएं की गई। कांग्रेस की इन गारंटी के तहत गरीब परिवार की हर एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए की मदद की जाएगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी ने कहा था कि अगर केंद्र में उनकी सरकार बनी तो गरीब महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इन रुपयों से महिलाएं कोई भी छोटा मोटा व्यापार शुरू कर अपने परिवार का पेट पाल सकेगी।